हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल ओके। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट। यूनिट सेकंड का ये रीडिंग ए पहला चैप्टर है जिसको हम नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द नेवर नेवर नेस्ट। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेस्ट मीन्स घोंसला। द नेवर नेवर नेस्ट, घोंसले का जो निर्माण है वो कभी नहीं किया जा सकेगा, मतलब कभी भी नहीं बन पाएगा। यह हमारा चैप्टर का नाम है, टाइटल है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मीन्स पात्र। ये एक प्ले, एक नाटक के रूप में है चैप्टर, और इसमें कैरेक्टर पात्र क्या कौन कौन है? जैक, जील, हिज वाइफ, आंट जैन, नर्स। इसमें जैक है, जील है, हिज वाइफ, जैक की वाइफ जील, आंट जैन और नर्स। तो ये हैं कैरेक्टर्स। सीन, सीन दृश्य। इसमें सीन क्या है? द लॉन्च ऑफ जैक एंड जील्स विला एट न्यू हैम्पस्टेड। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड टू चेयर्स। As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. Scene, दृश्य। दृश्य कहाँ का है? The lounge of Jack and Jill's villa. Lounge means प्रतीक्षालय। Jack और Jill का जो villa, घर है, वहाँ का प्रतीक्षालय। At New Hampstead. ये जो जगह है न्यू हैम्पस्टेड में, जैक और जील का जो घर है वहाँ का प्रतीक्षालय का ये सीन है। द एसेंशियल फर्नीचर, एसेंशियल आवश्यक फर्नीचर, कंसिस्ट, कंसिस्ट बना हुआ या उसमें शामिल है, ऑफ अ टेबल, एक टेबल, ऑन विच, जिस पर, आर राइटिंग मटेरियल्स, राइटिंग मटेरियल्स लिखने के कुछ सामग्री इसमें पड़े हुए हैं। एक टेबल है और उस पर कुछ राइटिंग मटेरियल्स हैं, एंड टू चेयर्स, और साथ में दो चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं। एज द कर्टेन, जैसे ही कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, राइजेस, ऊपर उठा, द लॉन्च इज एम्प्टी, लॉन्च पूरी तरह से खाली था। जैसे ही पर्दा उठता है, लॉन्च पूरा एम्प्टी है, खाली है, बट लेकिन जैक एंड जील कम इन इमिडिएटली, इमिडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन जैक और जील तुरंत आते हैं, फॉलोड बाई जैन, फॉलोड बाई आंट जैन, आंट जैन के साथ, आंट जैन के पीछे पीछे जैक और जील आते हैं, ठीक है। कहाँ? जैक और जील्स विला में, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। जील, एंड दिस इज द लॉन्च, जील क्या बोलता है, एंड और दिस इज द लॉन्च, यह प्रतीक्षालय है। आंट जैन, जो आंट जैन है, जील और जैक के साथ में आई हुई है। चार्मिंग, चार्मिंग, सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रेटी फर्नीचर। चार्मिंग, चार्मिंग मीन्स आकर्षक, जो उनको अच्छा लगा इसलिए बोलती हैं चार्मिंग, चार्मिंग, बहुत ही आकर्षक। सच अ कोजी, कोजी मीन्स आरामदायक, लिटिल रूम, छोटा कमरा, कितना आरामदायक कमरा है। एंड सच प्रिटी फर्नीचर, और कितने सुंदर, प्रिटी मीन्स सुंदर, और कितने सुंदर फर्नीचर हैं। जब वो रूम में एंटर होती हैं तब देखती हैं कि जो छोटा सा रूम है बहुत अच्छा है, तब वो बोलती हैं चार्मिंग, चार्मिंग, आकर्षक, आकर्षक। सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। जैक, मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मीन्स शर्माते हुए, वी लाइक इट, यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। वी लाइक इट, वी लाइक इट, हम इसे पसंद करते हैं। आपने हमारा घर को तारीफ किया, घर आपको अच्छा लगा, हम खुश हुए इससे, हमको अच्छा लगा। यू नो, आपको मालूम है, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड
लिसन टू द रेडियोग्राम, हैंडी प्लेस सुविधाजनक स्थान में बैठना और रेडियोग्राम को सुनना हम पसंद करते हैं। सिट मीन्स बैठना, लिसन मीन्स सुनना, जो सुविधाजनक स्थान है वहाँ पर बैठना और रेडियोग्राम सुनना हमें पसंद है। आंट जेन, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो? आंट जेन क्या बोलती हैं? ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम, तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो, एक कार और एक पियानो के साथ साथ तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है। जैक, वाय ऑफ कोर्स आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नावडेज। जैक क्या बोलता? वाय, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स निश्चित ही, हाँ मेरे पास निश्चित ही रेडियोग्राम है। यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नावडेज, नावडेज आजकल के दिनों में, सिंपली सामान्यता, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नावडेज, आज के दिनों में तो सभी लोगों के पास रेडियोग्राम होता है, सामान्यता यहाँ पर तुम लोगों के पास भी, आप लोगों के पास भी होता है, मीन्स कहा जा रहा है कि आज के दिन में तो सबके पास रेडियोग्राम होता है। जील, जील कौन है? जैक की वाइफ, क्या बोलती हैं? एंड इट्स सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन सो दैट आई कैन लिसन टू इट व्हाइल आई कुक। जील क्या बोलती हैं? एंड इट्स सो नाइस, यह बहुत अच्छा है फॉर मी, मेरे लिए, व्हेन, जब जैक्स अवे एट बिजनेस, जब बिजनेस के लिए जैक दूर रहेंगे, दूर चले जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, आई इवन मेक हिम मूव इन इनटू द किचन, मैं इसे अपने साथ किचन में ले जाऊंगी, सो दैट ताकि आई कैन लिसन, मैं सुन सकूं, टू ईट व्हाइल आई कुक, जब मैं खाना बनाने, जब मैं खाना पकाती रहूंगी तब मैं इसे सुन सकती हूँ, मेरे लिए यह बहुत अच्छा है। जब बिजनेस में जैक बाहर चले जाएंगे तब मैं इसे अपने साथ किचन में ले जा सकती हूँ और वहाँ मैं इसको सुन सकती हूँ। जैक, सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। जैक क्या बोलता है? सिट डाउन आंट जेन, बैठ जाइए आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक जाना, आप थक गई होंगी, एंड और वी हैव शोन, शोन मीन्स दिखाना या दिखा चुके हैं, सी सॉ शोन मतलब दिखा चुके हैं, एवरीथिंग सभी चीज़ें, नाउ अब हम आपको सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, हमारे घर में जो भी चीज़ था अब हम सब चीज़ दिखा चुके हैं, अब आप थक गई होंगी, बैठ जाइए। जील, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट आंट जेन? जील पूछती हैं आंट जेन से, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट, अपना घर को वो बोल रही हैं, हमारे छोटे घोंसले के बारे में आप क्या सोचती हैं आंट जेन? कोई भी अपना घर को हम ऐसे ही बोलते हैं, यह हमारा छोटा सा घर है, तो वो भी घोंसले के बराबर बोल रही हैं कि हमारे छोटे से घर के बारे में आप क्या सोचते हैं आंट जेन? आंट जेन क्या बोलती हैं? आई थिंक इट्स वंडरफुल माई डियर्स, द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल, वो बोलती हैं आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इट्स वंडरफुल, यह सब बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अच्छा है, माई डियर्स मेरे प्यारे बच्चे, द फर्नीचर, फर्नीचर, कार, पियानो, फ्रिज एंड रेडियो, सभी, इट्स वंडरफुल, सभी चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक है, रियली वंडरफुल, सचमुच, वास्तव में सब कितना वंडरफुल है। जैक, एंड वी ओव इट ऑल टू यू, एंड वी ओव, ओव मीन्स होता है रेडी होना, इट ऑल टू यू, जैक
जब वो सारे सामान जितने भी उसके घर में सामान थे सभी का तारीफ की, उसको अच्छा लगा, तब जैक क्या बोलता है, एंड वी ओव इट ऑल टू यू, इस सब के लिए हम आपके ऋणी होंगे। ऋणी होना कर्जदार होना, आपने हमारा घर का तारीफ किया इसके लिए हम आपके ऋणी होंगे। आंट जैन, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी। वरिंग मीन्स चिंतित होना या चिंता करना। हाँ जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, जो मुझे चिंतित कर रहा है। अब उनके मन में कुछ बात चल रहा है तो आंट जैन बोलती हैं कि यह मुझे चिंतित कर रहा है। जैक, वरिंग यू, आपको चिंतित कर रहा है। आंट जैन, वो क्वेश्चन पूरा, वरिंग यू, आपको चिंतित कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों। आंट जैन, यस, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, वाजंट इट, आई डिडंट पुट 2000 बाई मिस्टेक। आंट जैन बोलती हैं, यस हाँ, दैट चेक, वो जो चेक था, आई गेव यू, जिसे मैंने तुम्हें दिया था, फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, वेडिंग प्रेजेंट शादी के उपहार के रूप में, इट वॉज ओनली 200 pounds, वो केवल 200 pound था, वाजेंट इट, 200 pound था क्या, आई डिडंट पुट 2000 बाई मिस्टेक, कहीं मैंने गलती से, बाई मिस्टेक मीन्स गलती से, कहीं मैंने गलती से उसमें 2000 pound तो नहीं लिख दिया। वो जब आती हैं, उनका घर इतना अच्छा है, सारे फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, कार, पियानो, सब चीज़ को देखती हैं, तब उनको उनके मन में डाउट लगता है, कहीं मैंने इनको 200 pound के जगह में वेडिंग प्रेजेंट में 2000 pound तो नहीं दे दिया, जिनसे ये इतना अच्छा घर खरीद लिए और इतना सामान। उनके मन में ये डाउट है। जील, वाई नो, क्यों नहीं। आंट जेन, वाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, आप ऐसा क्यों सोचती हैं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं। जेल पूछ रही कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं। आंट जैन, रिलीव्ड, रिलीव्ड मीन्स आराम महसूस करते हुए, रिलीफ, रिलीव्ड। वेल ठीक है, दैट्स ऑल राइट, सब कुछ अच्छा है, बट आई स्टिल डोंट एल टुगेदर अंडरस्टैंड, लेकिन आई स्टिल, मैंने अभी तक, डोंट नहीं समझ पाई, ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड में समझना, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाई, दिस हाउस इट्स वेरी लवली, दिस हाउस, यह जो घर है, इट्स वेरी लवली, बहुत प्यारा है, बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट, डजंट इट कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स होता है मूल्य, कीमत, रेंट मीन्स किराया, लेकिन क्या यह किराए के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। वो बोलती हैं, घर तो बहुत प्यारा है, दिस हाउस इट्स वेरी लवली, यह घर बहुत प्यारा है, बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट, लेकिन यह किराए के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं। जैक, रेंट, किराया, ओह नो, वी डोंट पे रेंट, पे मीन्स चुकाना या देना, भुगतान करना, ठीक है। तो जैक क्या बोलता है, रेंट, किराया, ओह नो, अरे, वी डोंट पे रेंट, हम किराया नहीं देते। आंट जेन, बट जैक, इफ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न आउट इन टू द स्ट्रीट एंड दैट वुड नेवर डू, यू हैव जील एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ यू नो। आंट जेन क्या बोलती हैं, जब किराया, बट लेकिन जैक, इफ़ यू डोंट पे रेंट, यदि तुम किराया नहीं दोगे, यू विल गेट टर्न आउट इन टू द स्ट्रीट, यू गेट टर्न आउट मीन्स बाहर निकालना, इन टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली, तो तुम बाहर गली में, सड़क में, तुमको निकाल देंगे, एंड दैट वुड नेवर डू,
और ऐसा नहीं होगा. यू हैव जील एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ. नाउ मीन्स अब तुम्हें जील और फिर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए. यू नो, तुम्हें पता है, तुम जानते हो तुम्हारी एक पत्नी है, बेबी है, तो अब उनके बारे में सोचना चाहिए. यदि तुम किराया नहीं दोगे तो तुमको गली में निकाल देंगे घर से, ऐसा आंट जेन बोलती हैं. जैक, नो नो आंट जेन, नहीं नहीं आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी, आपने मुझे गलत समझा. मिसअंडरस्टूड मीन्स गलत समझना. आपने मुझे गलत समझा. वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज अवर्स. वी डोंट पे रेंट, हम किराया नहीं देते बिकॉज, क्योंकि द हाउस इज अवर्स, क्योंकि यह घर हमारा है. आंट जेन को लग रहा था कि यह घर किराए पर है, लेकिन वो घर आंट जेन का, सॉरी, जील और जैक का था, ठीक है. इसलिए वो बोलता है कि वी डोंट पे रेंट, हम किराया नहीं देते बिकॉज द हाउस इज आवर्स. आंट जेन, योर्स, तुम्हारा. जील, वाई, यस, यू जस्ट पे 10 pounds एंड इट्स योर्स. जील क्या बोलती है, वाई, क्यों क्यों नहीं, यह घर हमारा क्यों नहीं हो सकता. यस, हाँ, यू जस्ट पे 10 pounds, आप 10 pound दो, एंड इट्स योर्स, और फिर यह घर आपका होगा. आंट जेन को बोलती हैं कि आप 10 pound दो और फिर यह घर आपका हो जाएगा. जैक, यू सी आंट जेन, वी रियलाइज हाउ अनइकोनॉमिक इट इज टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर व्हेन यू कैन बाय एंड एंजॉय अ होम ऑफ योर ओन फॉर 10 pounds एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स. ऑफ कोर्स, वाई बी मिस्टर टेनेंट व्हेन यू कैन बी मिस्टर ओनर. जैक देखो समझाते हैं. यू सी आंट जेन, देखो आंट जेन, वी रियलाइज्ड, हमने महसूस किया, हाउ अनइकोनॉमिक, अनइकोनॉमिक आर्थिक तंगी, इट इज़ टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर. हमने यह महसूस किया कि साल दर साल, मतलब हर साल किराया देना कितना आर्थिक तंगी हो जाएगा, कितना आर्थिक तंगी का हमको, पैसों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा हम हर साल यदि रेंट दें. व्हेन यू कैन बाय, व्हेन, जब, यू कैन बाय, आप खरीद सकते हो, एंड एंजॉय अ होम ऑफ योर ओन फॉर 10 pounds, जब आप 10 pound में अपना खुद का घर खरीद सकते हो और अपने स्वयं का घर होने का आनंद उठा सकते हो. एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट्स मीन्स तिमाही अदायगी, मीन्स आधा देकर. ऑफ कोर्स, बेशक, वाई बी मिस्टर टेनेंट, मिस्टर टेनेंट मीन्स मिस्टर किराएदार, व्हेन यू कैन बी मिस्टर ओनर, मिस्टर ओनर मालिक, तो जब आप 10 pound दे के किराएदार से मालिक बन सकते हो, तो क्यों ना फिर हम किराएदार क्यों रहें, हम मालिक क्यों ना बन जाएं, ऐसा वो उनको समझाते हैं. निश्चित तौर पर फिर मिस्टर किराएदार क्यों, जब हम मिस्टर मालिक बन सकते हैं. तो 10 pound देकर उन्होंने घर को अपना बना लिया था, ठीक है, हर साल किराया देने से अच्छा. आंट जेन, आंट जेन बोलती, आई सी, यस, देर आर समथिंग इन दैट. इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस. आई सी, मैं समझ गई. यस, हाँ, देयर समथिंग इज दैट, इसमें जरूर कोई बात है. इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छा, टू कीप अप अ प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, लाइक दिस, इस तरह का, इसमें जरूर कोई बात है, ऐसा करके तुम्हें एक अच्छा स्थान इस प्रकार मिल जाएगा. जील, ओ, ही इज आंट जेन, ओह, ही इज, वह है आंट जेन.
Why only last year he had a 5 shilling rise? Didn't you, Jack? Aunt Jane, why? क्यों? Only last year, केवल पिछले साल ही, he had a 5 shilling rise. 5 shilling बढ़ाया था. उसने 5 shilling बढ़ाया था. Didn't you, Jack? क्या तुमने नहीं किया था, Jack? अपना बात वो जैक को हाँ हामी भरवा रही हैं, हाँ बोलवा रही हैं कि क्या तुमने नहीं किया था जैक. आंट जेन को बता रही हैं कि पिछले लास्ट ईयर में 5 shilling. ये शीलिंग, शीलिंग का अर्थ होता है ब्रिटिश कॉइन, ब्रिटिश सिक्का जो 1971 में यूज़ होता था, ठीक है. तो ये ब्रिटिश कॉइन है. तो वो बता रही हैं कि हमने लास्ट ईयर में, केवल लास्ट ईयर में 5 shilling बढ़ाया था. जैक मॉडेस्टली, जैक शर्माते हुए, ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग, रियली आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस. ऑफ कोर्स हाँ मैंने किया था, 5 shilling मुझे मिला था, मैं 5 shilling बढ़ाया था. दैट वाज नथिंग, वह वास्तव में ऐसा नहीं था. रियली सचमुच, आई एम एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, 10 दिस क्रिसमस, और मैं इस साल, इस क्रिसमस पर मैं 10 shilling की उम्मीद कर रहा हूँ. मुझे यह उम्मीद है कि इस क्रिसमस में 10 shilling बढ़ाऊँ. आंट जैन सडनली, अचानक आंट जैन, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इट इज़ योर. अचानक से आंट जैन, जैक आई हैव जस्ट थॉट, मैंने अभी अभी कुछ सोचा, ऑफ समथिंग, मैंने अभी अभी कुछ सोचा, दैट कार, वो कार की ओर दिखाते हुए बोलती हैं, दैट कार, वह कार, इट इज़ योर्स, वो तुम्हारा है, वह जो कार है वो तुम्हारा है. तो जील, ऑफ कोर्स इट्स आवर्स. जील जो जैक की वाइफ है वो बोलती है, ऑफ कोर्स बेशक, इट्स आवर्स, यह हमारा है. आंट जैन, ऑल योर्स, पूरा तुम्हारा, पूरा कार तुम्हारा है. तो जैक, वेल, अच्छा, पहले तो बोलता अच्छा हाँ, फिर नो, नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑल, पहले तो हाँ बोलता है, फिर बोलता है नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑल, पूरा नहीं. आंट जैन, हाउ मच ऑफ इट, तो इसमें से कितना है, हाउ मच मीन्स कितना, इसमें से कितना तुम्हारा है. जील, ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट टू ऑफ द सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट. ओ आई शुड से, मैं कह सकती हूँ या मुझे कहना चाहिए, द स्टीयरिंग व्हील, जो स्टीयरिंग व्हील है, एंड स्टीयरिंग व्हील्स जो चक्के हैं उसमें, एंड वन ऑफ द टायर्स, और एक टायर, एंड अबाउट टू ऑफ द सिलेंडर्स, और दो सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी, लेकिन आप क्या नहीं देख रही हैं, दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, इसके बारे में एक आश्चर्य बात है, लेकिन आप देख नहीं पा रही कि इसमें एक आश्चर्यजनक बात है. अब कार उनका है, लेकिन कार पूरा उनका नहीं है, उसमें से केवल स्टीयरिंग व्हील और एक टायर और दो सिलेंडर वो उनका है, बाकी नहीं. आंट जैन तब बोलती हैं, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, आई डोंट सी, मैं नहीं देख सकती या नहीं देख पा रही हूँ एनीथिंग, कुछ भी चीज़ वंडरफुल, आश्चर्यजनक अबाउट इट, इसमें, इसमें या इसके बारे में मुझे कोई भी आश्चर्यजनक चीज़ नहीं दिखाई दे रही. जील, तब जील क्या बोलती है, बट देयर इज़, लेकिन है, लेकिन इसमें वंडरफुल बात है, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ है. आंट जैन, यू सी, आप देखिए, एल्दो, यद्यपि, वी कुड नेवर बाय अ कार आउटराइट, वी कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर ऑफ मोटरिंग फॉर अ मेयर 5 pounds डाउन. यू सी, आप देखिए, एल्दो, यद्यपि, वी कुड नेवर बाय अ कार आउटराइट, हम
कार को पूरी तरह से नहीं खरीद सके हैं, हम नहीं खरीद सके। वी कैन इंजॉय, लेकिन वी कैन इंजॉय, फिर भी हम इंजॉय कर सकते हैं ऑल द प्लेजर, पूरे खुशी का, आनंद का, ऑफ मोटरिंग फॉर अ मेयर 5 pounds डाउन। मेयर मीन्स केवल, मेयर मीन्स केवल, लेकिन फिर भी हम 5 pounds में गाड़ी चलाने का, मोटरिंग मीन्स गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने का पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं। वो बोलती हैं देखिए कि हम तो पूरा कार खरीद नहीं सकते, लेकिन केवल 5 pounds देकर हम गाड़ी चलाने का पूरा आनंद उठा सकते हैं। उनके घर में कार है लेकिन कार उनका नहीं है। अब देखिए आगे आंट जेन क्या बोलती हैं, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स आई सपोज, एंड द रेस्ट, रेस्ट मीन्स जो बचा हुआ है, बाय द इजी, इजी आसानी से, इंस्टॉलमेंट्स किस्तों में, मैं मानती हूँ, आई सपोज मैं मानती हूँ, और बाकी का जो पैसा है वो आसानी से किस्तों में दे दोगे। जील एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ठीक, हम ऐसा ही करेंगे। आंट जैन, आंट जैन बोलती है एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, और रेडियो के बारे में क्या है, व्हाट्स इट, यह क्या है। जैक, वेल दैट्स जी, दैट्स द, हाँ वह आंट जैन, एंड द पियानो, और फिर ये पियानो। जील, वेल ऑफ कोर्स, हाँ यह पियानो हमारा है। ऐसे करके वो एक एक सामान के बारे में पूछते जा रही हैं। आंट जैन, एंड द फर्नीचर, और यह जो फर्नीचर है। जैक, तब जैक क्या बोलता है, आई एम अफ्रेड, सो अफ्रेड मीन्स डरना, मैं डरता हूँ। आंट जैन, आई सपोज All you own is this leg. I suppose, मैं मानती हूँ, All you own, own means तुम्हारा अपना, स्वयं का, is this leg. मैं मानती हूँ या मुझे लगता है कि तुम्हारा जो अपना स्वयं का है वह this leg, यह पैर है। She points to one, वह एक पैर की ओर इशारा करते हुए बोलती हैं कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारा जो अपना है वो केवल यह एक पैर, एक पैर है। तब जील, जील क्या बोलती है, वेल ठीक, नो नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक सच यह है, फैक्ट मीन सच, जहाँ तक सच यह है, इट्स दैट वन, सी पॉइंटेड टू अनदर, वह दूसरे पैर की ओर इशारा करते हुए बोलती है जील कि नहीं, जहाँ तक सच है वह यह है, मीन्स कि वो जो दूसरा पैर है वो जैक का है, जो पहला पैर की ओर इशारा कर रही थी वो नहीं। आंट जैन क्या बोलती हैं, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज, एंड और द रेस्ट बिलोंग, बिलोंग्स में संबंध रखना, टू मिस्टर सेज, और मुझे लगता है कि, और बाकी जितना भी है वो सब मिस्टर सेज का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जील, अर एस, वो अपना बात वो करते हुए बोलते यस, ऐसे हकलाते हुए। तब आंट जैन, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट्स फॉर एनीवन, सी स्टैंड्स अप, नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन, सिट मीन्स बैठना, मिस्टर सेज पार्ट ऑफ माई वन, मिस्टर सेज के किसी भी हिस्से पर मैं अब नहीं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए वो सी स्टैंड सब खड़ी हो जाती हैं, वो बैठी थी वहाँ पर, वो आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मिस्टर सेज पार्ट्स फॉर एनी वन, मिस्टर सेज के किसी भी हिस्से पर मैं नहीं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए वो खड़ी हो जाती हैं। नाउ अब टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू, इन सब का किस्त कितना आएगा। अब तुम मुझे बताओ कि इन सब का, ये जितने भी सामान हैं उनका किस्त इंस्टॉलमेंट कितना आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। यह एक नाटक के रूप में है और अपना अपना जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार चैप्टर है, उसको बस मजा लेके, ह्यूमरस, हास्य के रूप में आप पढ़िए।
देखिए आपको होमवर्क क्या करना है, हम जहाँ तक पढ़े हैं उसमें 10 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे, उस 10 वर्ड्स की हिंदी मीनिंग अपनी रफ कॉपी में लिखनी है, ठीक है। और हिंदी मीनिंग लिखने के बाद आप उसको स्पेलिंग सहित लर्न भी करेंगे। ओके बच्चे, ठीक है, आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू।